नमस्कार, मैं पवन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेदपन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो जिन बच्चों का ICAR असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 का प्री एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर नहीं है। तो आपको पता होगा कि आपकी जो मेंस की डेट है वो आपकी आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि मेंस का जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी, आउट ऑफ मतलब कितने नंबर पे कट ऑफ बनेगी, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग बात है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, तो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ, इन सब पे बात करेंगे, क्योंकि सबके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा और मेंस एग्ज़ाम जो कि बचा हुआ टाइम जितना है उसके अंदर आप 100% एग्ज़ाम को क्लियर करके आओगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपका ये है, इसमें दो पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और दूसरा जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में मैथ्स आएगी और इंग्लिश आएगी। मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन दो नंबर का, और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का, यानी कि 100 नंबर का ही है। तो टोटल ये पेपर जो है वो 200 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर होगा। जो बच्चे स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि उनके लिए पेपर जो होगा वो 2 घंटे 40 मिनट का होगा। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा और इसमें आपको ऐसे प्रिसाइज लेटर एप्लीकेशन इनमें से कुछ आपको लिखना है। जैसे कि अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि ऐसे या तो पूछा जाएगा या प्रिसाइज पूछी जाएगी, लेटर पूछा जाएगा या एप्लीकेशन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि चारों लिखने हैं, कोई 2 लिखना होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटे मिलेगा। जो बच्चे स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उनको 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, इसका जो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस है वो बिल्कुल जिस तरीके से आपका CHSL का, अगर आप SSC की प्रिपरेशन किए होंगे तो आपको पता होगा, CHSL और CGL का जिस तरीके से आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होता था वैसे ही डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है, और वही पूरा सिलेबस है, उतना ही टाइम दिया जा रहा है और उतने ही नंबर का पेपर है। और आपको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ और ढेर सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, मेंस की जो डेट है वो आपकी आ चुकी है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को है, ठीक है, 21 जून को आपका एग्ज़ाम है, इसकी डेट आपकी आ चुकी है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अगर नहीं होगी तो आप जान लो कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 21 जून को, ये एक्सपेक्टेड है और मे बी अभी चेंज होगा भी नहीं, ठीक है। तो 21 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने है वो यही है कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कैसे करो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करने के लिए देखो सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अब आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना। देखिए, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में तो बहुत कुछ है, आपको लिमिटेड पढ़ना है, आपको लिमिटेड ऐसे पढ़ने हैं। देखो, तैयार सब कुछ करके जाना है, ऐसे में भी ऐसे भी आ सकता है, प्रिसाइज भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, एप्लीकेशन भी आ सकता है, तो आपको चारों की बहुत अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, उतना कंटेंट पढ़ो ताकि आपका काम चल जाए। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करके आओगे। यहाँ पे हम आपको जो सिलेक्टेड आपके नोट्स हैं जिसमें हम आपको 100+ सिलेक्टेड ऐसे देंगे, उसके अलावा लेटर देंगे, उसके अलावा प्रिसाइज देंगे, ठीक है, प्रिसाइज भी आपको देंगे, ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशंस भी देंगे, ठीक है, सारा कुछ आपको, जितना भी आपका सिलेबस है उसके कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा किस तरीके से फॉर्मेट होता है आप देख सकते हैं, कंटेंट, ये पूरा कंटेंट, जैसे कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध अच्छा या बुरा, तो इस पर सेलेक्टेड हमने चीज़ें दी हैं आपको ताकि आप इतना अगर लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सेलेक्टेड चीज़ें ही आपको पढ़नी है। आप कंटेंट देख सकते हैं, मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, जैसे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में इंटरनेट का महत्व, ठीक है, उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जो कंप्लीट नोट्स हैं उससे आपकी पूरी प्रैक्टिस, जैसे कि आपका
आपको ऐसे लिखना है। तो ऐसे में किस तरीके से किस पोर्शन के कितने नंबर मिलते हैं सारा कुछ आपको पीपीटी के थ्रू समझाया गया है। तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के कितने नंबर मिलते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये सारा कुछ आपको मिलेगा। और ये जो कोर्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर इन लेटर, लेटर में किस तरीके के किस पार्ट के कितने नंबर मिलते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग के 4 नंबर मिलते हैं, एक्सप्रेशन के 8 नंबर मिलते हैं, सारा कुछ जितने भी डाउट हैं आपके, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर किस तरीके से होता है, ये देखो सारा कुछ फॉर्मेटिंग करके हमने आपको समझाया हुआ है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये जो आप लेटर हैं, लेटर देख सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन, सारा कुछ इस तरीके से जो सेलेक्टेड है जो आपके आ सकते हैं वो सारा कंटेंट हम आपको देंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी ये कंटेंट है और हिंदी में भी कंटेंट है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इसका जो प्राइस है वो हमने लिमिटेड प्राइस रखा है। इस कोर्स का जो प्राइस है वो केवल और केवल 199 रुपीज़ है, ठीक है। इस 199 रुपीज़ में आपको क्या मिलेंगे, आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। इसमें आपको 100 प्लस आपको ऐसे मिलेंगे, लेटर मिलेंगे, प्रिसाइज मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। उसके अलावा हम आपको वीडियोज़ भी देंगे ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। उसके अलावा हम आपकी यहाँ पे 20 कॉपी भी चेक करेंगे, आपसे कॉपी लिखाएंगे, आपको वर्क देंगे और 20 कॉपी आपकी चेक करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में फेल नहीं कर सकता। और इसका जो प्राइस है वो हमने मिनिमम रखा है 199 रुपीज़ में। ये सारा कुछ आपको मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे, कॉपी आपकी चेक होगी, सारा कुछ मिलेगा। तो पेमेंट कैसे करना है, आप फ़ोनपे भी कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोनपे नंबर है वो ये है 6307185699। उसके अलावा UPI ID से भी कर सकते हैं, ये UPI ID है, अकाउंट नंबर से भी कर सकते हैं, ये IFSC कोड है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये जो नंबर है इस पर आप WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं 6307185699। आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है। जैसे आप भेजेंगे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उससे हम ऐड कर देंगे और कंप्लीट तरीके से आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएगी। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने लिमिटेड टाइम में हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।